बाइट ऑफ जॉय में आप सबको बहुत बहुत खुश आमदेद। फॉर इंग्लिश प्लीज फॉलो रिटन इंस्ट्रक्शंस। आज हम आपको बताएंगे कि अंडों को किस तरह से प्रॉपरली उबाला जाए, और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक पैन ले लें और उसमें तकरीबन आप 6 से 8 अदद अंडे डाल दें। अंडों को आपने सिंगल लेयर में ही डालना है, इसे एक के ऊपर एक नहीं डालना। तो बस इस तरह से सिंगल लेयर में डालें। तो ये अंडों को हमने फ्रिज में रखा था, तो ये ठंडे ही हैं, इसे बस हमने फ्रिज में से निकाला है और इस तरह से हमने फौरन ही इसे देगची में डाला है। ऊपर से हम डालेंगे इस पर रेगुलर रूम टेम्परेचर टैप वाटर। तो बस नल का पानी है वो हमने डाल दिया है, और पानी इतना डालना है आपने ताकि अंडे जो हैं ये पूरी तरह से कवर हो जाएँ। ऊपर थोड़ा 1 इंच का अगर और पानी हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें हम डालेंगे 2 बड़ी चम्मच नमक। अब आप चाहें तो इसमें नमक डालें या विनेगर डालें, दोनों में से कोई भी एक चीज़ डाल सकते हैं। और इसको डालने का मकसद सिर्फ ये है कि इससे यह है कि जो शेल्स हैं वो आपके अंडे पर चिपकेंगे नहीं। वरना अक्सर ऐसा होता है कि जब अंडे उबलते हैं तो पूरी जो शेल होती है वो अंडों से इतनी चिपक जाती है कि वो अंडे आपके पूरे टूटने लगते हैं। तो इस तरह से नमक डालने से और विनेगर डालने से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब जो है चूल्हे को हमने करना है ऑन, और इसे हमने तब तक पकाना है जब तक कि पानी में पूरा उबाल नहीं आ जाता। पानी अब जैसे ही उबलने लगे आपने इसे सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए उबालना है, फिर हम चूल्हे को कर देंगे बंद और ऊपर हम इसे ढकने से ढक देंगे, और अंडों को इसी गर्म पानी में हम रहने देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। तो बस चूल्हे की आँच बंद है और ढकना ढका हुआ है, और हम अंडों को इसी तरह से छोड़ देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। तो इस तरह से आपके जो अंडे हैं ये इतनी देर में परफेक्टली बॉयल होकर तैयार हो जाएंगे। ये हार्ड बॉयल्ड एग्स हैं आपके। तो अब हमें इसका कुकिंग प्रोसेस स्टॉप करना है। तो यहाँ पे एक बोल लिया है जिसमें हमने बर्फ़ डाली है और ठंडा पानी, और तमाम अंडों को हम इसमें से गर्म पानी में से निकाल देंगे और इस ठंडे पानी में डाल देंगे। तो पानी में आपने इसे रखना है तकरीबन 3 मिनट के लिए, या तब तक के लिए जब तक कि ये तमाम अंडे आपके पूरी तरह से ठंडे नहीं हो जाते। तो यहाँ पर अब ये देखें अंडे हमारे ठंडे हो चुके हैं, तो हमने यहाँ पर निकाल दिया है इसे। ये हर तरीका बहुत ही आसान है, बहुत ही परफेक्ट है। इस तरह से आप अंडों को उबालेंगे तो आपके बिल्कुल प्रॉपर और सही तरह से ये अंडे उबलेंगे। हार्ड बॉयल्ड एग्स हैं, और जिस जैसा कि आपने देखा था कि हमने इसमें नमक डाला था, तो उससे ये है कि देखें ये आपके आराम से छिल भी रहे हैं और ये शेल्स जो हैं ये आपके अंडों पर चिपके भी नहीं। तो ये तरीका आप ज़रूर आज़माइएगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही फूल प्रूफ है ये मेथड। इस तरह से आप काफ़ी सारे अंडे उबाल के रख सकते हैं हफ्ते में एक बार, और ये है कि जितने अंडे आपने यूज़ करने उस दिन आपने यूज़ कर लिए, जो अंडे आपके बच जाएँ उसे आप छीले ना, और छीले बगैर ही आप इसे किसी एयरटाइट कंटेनर में रख लें। तो इसे आप तकरीबन 5 से 7 दिन के लिए आराम से फ्रिज में रख सकते हैं। और ये देखिए हमने आपको कट करके भी बताया है, तो अंदर से आप देख सकते हैं कि इसका योग कितना परफेक्टली कुक्ड हुआ है। तो इन अंडों को आप चाहें तो ब्रेकफास्ट में यूज़ करें, सैलड्स बना सकते हैं, इसकी सैंडविचेस बहुत अच्छे से बन सकती हैं, चाहें तो आप इसे छुरी से कट कर लें। यहाँ पे हमने एग स्लाइसर का इस्तेमाल किया है, तो इस तरह से एक बार अगर आप इसे इस तरह से चलाते हैं तो स्लाइसेस कट होंगी, लेकिन उसको आप इस तरह से रोटेट करेंगे तो इस तरह से ये बारीक कट हो जाएगा। तो अगली बार आपने अंडे उबालने हों तो ये तरीका ज़रूर आजमाइएगा। उम्मीद करते हैं आपके भी अंडे बहुत ही परफेक्ट बॉयल होंगे। अब आप भी इसे बनाएं और अपने प्यारों को खिलाएं। और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।